हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप अकेडमी। आज हम लेकर आए एक इंस्पायरेशनल स्टोरी, एक अनोखी दुर्घटना, एक्सीडेंट, ये कहानी का टाइटल है। एक डॉक्टर बड़ी ही तेज़ी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ उसके परिजन बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर ने विनम्रता पूर्वक कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितनी तेज़ी से हो सका मैं यहाँ आया हूँ। कृपया अब आप लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूं। शांत हो जाइए, कोई बात है? लड़के के पिता ने गुस्से में बोला, क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपका अपना बेटा मर जाए तो आप क्या करेंगे? पिता बोल ही जा रहा था, भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप लोग दुआ कीजिए, मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गया। बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, भगवान का शुक्र है आपका बेटा खतरे से बाहर है। ये सुनते ही लड़के के परिजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे, वो कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसे डिस्चार्ज कब करेंगे? पर डॉक्टर जिस तेज़ी से आया था उसी तेज़ी से वापस घर जाने लगा और लोगों से अपने सवाल नर्स से पूछने को कहा। ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है कि वो 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब दे नहीं सकता? लड़के के पिता ने नर्स से कहा। नर्स लगभग रुआसी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब की लड़के की भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने उन्हें फ़ोन किया था तब वे उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार कराने के लिए वापस लौट रहे हैं। यह सुनकर लड़के के परिजन और पिता स्तब्ध रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फ्रेंड्स, बहुत बार हम किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जानने के बिना ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझे बिना कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया ना दें, वरना अनजाने में हम उसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं जो हमारा ही भला सोच रहा है। कभी कभी आपकी ज़ुबान से अनजाने में अदा किए गए अल्फाज सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ देते हैं। इंसान की तमाम परेशानियां 2 बातों की वजह से हैं, तकदीर से ज़्यादा चाहता है और दूसरा वक्त से पहले चाहता है। कोई भी काम ऐसा ना करें जिसे करने के बाद हमें पछताना पड़े, बिना सोच विचारे कोई काम ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंस्पायरेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक नई कहानी आपके सामने लेकर आऊँ तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुँच सके। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं ऐसे एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पेरेंट्स का भी साथ दें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ऑल।